तो गाइस, क्या आपने भी इन दोनों क्रिएटर के वीडियो देखे हैं और अब आपको भी लगता है काश मैं भी एक पीवीपी गॉड होता, या फिर आप जब भी किसी सर्वर में पीवीपी करने जाते हो आपके साथ कुछ ऐसा होता है? अरे भाई रुक जा, अरे अरे अबे रुक जा भाई रुक जा, मार दिया इसने। सामने वाला बंदा आता है, आपको पेल के चला जाता है और आप बस हिलाते रह जाते हो अपनी स्वॉर्ड। तुम्हें क्या लगा मैं कुछ और बोलने वाला था? फिर कहीं आप कोने में जाके कुछ ये सोचते हो, पीवीपी गई तेल लेने, मुझे करनी ही नहीं पीवीपी, इस लावा पूल में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे यार मैं मर क्यों नहीं रहा हूँ? ओ मैं भूल गया यार, मैं तो क्रिएटिव मोड में था इसीलिए मैं नहीं मर रहा। कैसा लगा मेरा मजाक? रुको रुको गाइस, अभी आपको मरने की जरूरत नहीं है, अभी आपका भाई जिंदा है, मैं सिखाऊंगा आपको पीवीपी कैसे करते हैं, वो भी मोबाइल के अंदर। तो गाइस मैंने इस वीडियो को डिवाइड किया टोटल 4 पार्ट के अंदर, जिसकी मदद से गाइस आप लोग बहुत इजीली से पीवीपी सीख सकते हो, वो भी मोबाइल के अंदर। सो गाइस आपको यहां से यहां तक जाना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना पड़ेगा, जिसमें का दूसरा और चौथा पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आप लोग गाइस पीवीपी कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए गाइस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। वीडियो के एंड में मैंने एक बोनस पॉइंट बताया है, जिसकी मदद से आप लोग और भी खतरनाक लेवल का पीवीपी कर सकते हो, वो भी मोबाइल के अंदर। बात करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट बेसिक्स की। इसके अंदर मैं गाइस आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि शॉर्ट ज्यादा डैमेज देती है या फिर एक्स, वो भी एमसीपी के अंदर ना कि जावा। अगर गाइस किसी एनिमी को आप शॉर्ट से मारते हो ना, वो कुछ आपको इतना डैमेज देगी, वहीं गाइस आप एक्स से मारते हो ना, आपको कुछ इतना डैमेज मिलने वाला है। अब गाइस आपको पता चल चुका है कि शॉर्ट ज्यादा डैमेज देती है, तो इसीलिए गाइस आपको शॉर्ट यूज करना है और जितना उसके उतना ज्यादा आपको क्रिट मारना है। अब बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि है गाइस सेटिंग्स। अभी आपको गाइस सेटिंग्स के अंदर चले आना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो का, इसमें गाइस आपको चले आना और यहाँ पर आपको जो सेटिंग दिख रही है ना, सेम टू सेम गाइस वैसे रखना है, किसी और सेटिंग को ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। एंड यहाँ पर गाइस आपको एक ऑप्शन मिलता है एफओवी नाम का, इसको गाइस अपने गेम प्ले के हिसाब से रखना, आप जितने में गेम प्ले कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर गाइस अपना एफओवी 70 रखा है, बाकी आप आउटलाइन सिलेक्शन वगैरह ऑन रख सकते हो अगर जो आप स्प्लिट कंट्रोल में खेलते हो। जैसे गाइस आप थोड़ा नीचे हो गए, यहाँ पर आपको एक रेंडर डिस्टेंस नाम का ऑप्शन मिलेगा, इसको गाइस आपको 8 चंक्स पर रखना है, जिसमें आपका गेम प्ले ना और भी स्मूथ चलने वाला है। अब गाइस आपको टच के अंदर चले आना, यहाँ पर आपको टोटल 3 कंट्रोल मोड देखने को मिलेंगे। पहला है गाइस जॉयस्टिक एंड टैप, दूसरा है गाइस डीपैड एंड गाइस तीसरा है जॉयस्टिक एंड एम। कैसे हो न्यू वाले टच कंट्रोल है ना, इससे मेरा 36 का आंकड़ा है, पता नहीं क्यों मैं इसमें गेम प्ले अच्छे से कर ही नहीं पाता हूँ, आप कर पाते हो नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कंट्रोल मोड के नीचे गाइस आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा कस्टमाइज कंट्रोल नाम का, यहाँ पर गाइस आके आप अपने सारे कंट्रोल को कस्टमाइज कर सकते हो, अगर जो गाइस आपके पास माइनक्राफ्ट का लेटेस्ट वर्जन है तभी आप कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। कंट्रोल कस्टमाइज हो जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको एक डन का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपके सारे कंट्रोल सेव हो जाएंगे। एंड अभी गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी वगैरह ना, आप अपने हिसाब से रख सकते हो, आपका जो डिवाइस है ना उसके हिसाब से रख सकते हो। मेरा गाइस 4 GB रैम का डिवाइस है, मैंने अपने हिसाब से रखा है, बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है स्प्लिट कंट्रोल नाम का, इसको अगर जो आप ऑन कर देते हो तो आपकी स्क्रीन के सामने एक प्लस का निशान आ जाता है, जिससे कि एम करने में काफ़ी अच्छा रहता है और आपका गेम प्ले भी काफ़ी इंप्रूव हो जाता है, जिससे कि आप देख सकते हो। स्प्लिट कंट्रोल को ऑफ करने से आपके स्क्रीन के सामने कैसे एक सर्कल सा आ जाता है, जिसकी मदद से आप लोगों का एम है ना वो पूरा टच की तरह काम करता है, आप कहीं जहाँ पर भी टच करोगे ना आपका एम वहीं पर जाएगा, जिससे कि आपको पीवीपी करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। स्प्लिट कंट्रोल के नीचे गाइस आपको एक और ऑप्शन मिलता है स्वैप जंप एंड स्नेक का, इसको ऑन करने से गाइस क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। जो आपका गाइस जंप एंड स्नेक का बटन होता है वो गाइस आपस में बदल जाता है, गाइस जो पहले राइट साइड में था वो गाइस लेफ्ट में आ जाता है, जो लेफ्ट में था वो गाइस राइट साइड में आ जाता है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब गाइस यही है, जो आपका जंप एंड स्नेक का बटन होता है वो आपस में चेंज हो जाता है। इसका गाइस एडवांटेज ये है, आप गाइस जब भी स्प्लिट करोगे ना उसके साथ गाइस आप जंप भी कर पाओगे, जैसा कि आप देख सकते हो। इससे गाइस आसानी आपको ये होगी, आप आसानी से आप सामने वाले बंदे को क्रिट मार सकते हो, जैसा गाइस मैंने अभी इस एनिमल को मारा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, बेस्ट कंट्रोल मोड। कौन से कंट्रोल मोड बेस्ट हैं पीवीपी के लिए, वो भी मोबाइल के अंदर? मोबाइल के अंदर गाइस आपको 2 कंट्रोल मोड मिलते हैं पीवीपी के लिए, एक होता है गाइस ये सर्कल वाला, दूसरा है गाइस ये प्लस वाला। अभी गाइस आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा इन दोनों में से कौन सा बेटर है, तो इसका गाइस सिंपल सा आंसर है, आप जिस कंट्रोल मोड पे ज़्यादा बेटर पीवीपी कर पाते हो वही गाइस कंट्रोल मोड आपके लिए बेस्ट है। अभी बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 प्रैक्टिस की। इसके बिना गाइस आप लोग पीवीपी कर ही नहीं सकते। अगर जो गाइस आप इंडिया के बेस्ट पीवीपी प्लेयर से जाकर आप पीवीपी सीखते हो ना, फिर भी आप लोग इस पीवीपी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे जब तक आप लोग गाइस प्रैक्टिस नहीं करोगे। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जितना ज़्यादा गाइस आप प्रैक्टिस करोगे आपकी पीवीपी उतना ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। पीवीपी की बात हो ही रही तो मैं गाइस आपको बेस्ट सर्वर बता देता हूँ पीवीपी के लिए, वो है गाइस नेदर गेम, जिसका आईपी पोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके गाइस आप लोग पीवीपी कर सकते हो। अगर जो गाइस आप इन 4 पॉइंट को अच्छे से नोटिस करके आप फॉलो करते हो ना, तो आपकी पीवीपी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाने वाली है। तो गाइस यही था मेरा वीडियो पीवीपी के ऊपर, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और हाँ लगे हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अरे रुको रुको किधर जा रहे हो? जिन बंदों ने वीडियो को पूरा एंड तक देखा उनके लिए मैं बोनस पॉइंट तो बता दूं, वो है गाइस कीबोर्ड एंड माउस। इनका गाइस आप यूज करके बिल्कुल गॉड बन जाने वाले हो पीवीपी के माइनक्राफ्ट के अंदर, आपको गाइस कोई बीट करने वाला होगा ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में आप बिल्कुल नूबड़े रहोगे, बट धीरे धीरे करके आप लोग गाइस और भी ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे कीबोर्ड एंड माउस के अंदर। बस यही था मेरा वीडियो, आपको मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।